हरियाणा में किसान एक बार फिर से सड़क पर हैं। इस बार किसान एक बार फिर से सरकार के साथ हार पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं, जिसके तहत अंबाला के एसकेएम सहित कई किसान संगठनों ने मिलकर विधानसभा पर चढ़ाई शुरू कर दी है। बता दें कि अंबाला के पंजोखरा साहिब से हजारों किसानों ने पैदल मार्च की शुरुआत कर दी है। इस पैदल मार्च में किसान पंजोखरा साहिब से होते हुए पंचकूला के रास्ते हरियाणा विधानसभा का घेराव करेंगे। ये यात्रा आज पंजोखरा साहिब से चली है, 23-24 किलोमीटर का सफर तय करेगी और गाँव मौली में रुकेगी और कल सुबह 9 बजे मौली से चलकर 25 किलोमीटर का सफर नाडा साहब पहुंचेगी और 22 तारीख को सुबह 9 बजे नाडा साहब से चलकर विधानसभा की तरफ जाएगी सरकार को ज्ञापन देने के लिए, सरकार को याद दिलाने के लिए कि जो आपने 12 सितंबर को मीटिंग की थी हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कि वो हमारे वादे पूरे करो। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी सत्र के अंदर तो फिर सरकार को आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ा आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। ये हमारी 5 जथेबंदियाँ जो 12 सितंबर को जिन जथेबंदियों ने प्रोग्राम किया था पगड़ी संभाल जट्टा फतिया वास्ते है, सर छोटू राम बीके सर छोटू राम करनाल से है, भारतीय किसान मजदूर यूनियन सुरेश कौत जी हैं और आज़ाद किसान यूनियन वाले क्षेत्र से हमारे साथी और बीके शहीद भगत सिंह। मांगे हमारी हैं जो जुमला मालकाना मुश्तरका मालकाना पर हमें मालकाना हक दिलाना है किसानों को और जो अधिग्रहण नियम सरकार ने बनाया हरियाणा सरकार ने उसको चेंज करे और किसानों को 4 गुना पैसे देकर उनके हर जमीन को कोने कोने को एक एक एकड़ को रास्ता देने की बात है। उनसे जो बड़े बड़े रोड बनाए जा रहे हैं उन पर सर्विस रोड नहीं है, वो सर्विस रोड दिए जाएँ, पानी का निकासी का उसमें निकाला जाए रास्ता और जो हमारे 2 गट्ठे के 3 गट्ठे के 4 गट्ठे के गोर हैं उन पर सब पर निकास दिए जाएं। यात्रा ये हमारी जो पिछले 12 सितंबर को आपने देखा था कि हमने पंचकुला के अंदर जो सीएम घराव के लिए गए थे वहाँ सीएम साहब ने वादा किया था कि जुमला मालकानों के लिए और फीजी बीमारी के अंदर जो फसल बर्बाद हो गया उसका मुआवजा दिया जाएगा, उसके दौरान ही ये यात्रा शुरू की गई है। यहाँ से पंजोखरा साहब से आज पहला पड़ाव मौली के अंदर, फिर मौली से शुरू होकर नाडा साहब के बाद विधानसभा कूच किया जाएगा जिसमें हजारों किसान शामिल होंगे पूरे देश से। मांगे क्या रखी हैं इस बार, क्या रणनीति बनाई है, कैसे प्रेशर करेंगे वहाँ, घराव करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, जैसे जैसे संख्या बढ़ती चली जाएगी तो घराव तो निश्चित ही होगा वहाँ पर विधानसभा का। जैसे आगे यूनियन ने जो फैसला लेंगी, 5 जथेबंदियों का हमारा ये जो यात्रा किसान अधिकार यात्रा मार्च फॉर फार्मर राइट्स के लिए शुरू की है, जैसे ही वहाँ अगर सरकार का कोई भी नुमाइंदा या सरकार इस पर बात नहीं करेगी तो हम निश्चित ही घराव करेंगे।